हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मगराज बिल स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल मगराज में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और खबरी ऐप पर फॉलो करें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ वहां पर जाकर के मुझे फॉलो कर लें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, अमेजन से मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वो एक गेज है। वैसे गेज पे मैंने 2-3 वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, तो आप चाहो तो वो देख सकते हैं। लेकिन आज एक जो हमने अमेजन से एक गेज मंगवाया है, इसमें गेज है, उस गेज को मैं आज खोल कर दिखाऊंगा और वो गेज किस काम आता है वो भी आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इसको ओपन करके। दोस्तों, ये अमेजन से मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है। ये इसके ऊपर ये एड्रेस है और इसको ओपन करते हैं। ये इसके अंदर एक ये बिल है, इसका बिल है, ये अमेजन से है। ये इसमें बिल है, इसमें 289 है इसका टोटल, 289 रुपये 44 रुपये इसका टैक्स है और 244 रुपये इसकी प्राइस है। ऐसे करके ये मुझे 289 रुपये 289 में मुझे ये पड़ा है। ये 289 रुपीज़ में मुझे ये पड़ा है, ये 44 रुपये टैक्स वगैरह जो कट कटा के मेरे मुझे मिला है। ये इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो ये है, वायर गेज। इसको वायर गेज भी कह सकते हैं, सीट गेज भी कह सकते हैं। हम सीट और वायर दोनों को इससे मेज़र कर सकते हैं। ये इसमें ये जो गेज है, इसमें गेज गेज में भी दिया हुआ है और एमएम में भी दिया हुआ है कि कौन सा गेज कितने एमएम का है, दोनों इस पे दिया हुआ है। ये बिल्कुल बारीक गेज का है और इसके ऊपर जस्ट ये बड़ा गेज है। तो हम कुछ मेज़र करते हैं इससे। हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट पड़े हैं, हम उसको मेज़र करके देखते हैं। ये सीट के टुकड़े हैं और ये वायर कह दो या रॉड कह दो, उसके हैं हमारे पास पीस हैं। तो सबसे पहले ये हम एक वेल्डिंग आर्क है, ये 10 नंबर वेल्डिंग आर्क है। तो 10 नंबर से ही पता चलता है कि ये 10 गेज की है। ये 10 गेज ये 11 गेज में नहीं आ रही है, ये 10 गेज में एक्यूरेट आ रही है। इसमें लूज आ रही है, 9 में लूज आ रही है, ये 10 में बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। और 10 नंबर वेल्डिंग आर्क है तो 10 गेज की है। तो और ये 8 नंबर वेल्डिंग आर्क है, ये भी 8 गेज की है। पर ये हम मेज़र करने के लिए कि भाई इसमें ये गेज सही बताता है या नहीं, इसके लिए हमने ये वेल्डिंग आर्क को लिया है। ये इसमें सही आ रहा है, ये इसमें टाइट है, इसमें भी टाइट है और ये इसमें लूज है, 6 नंबर में लूज है, ये 8 नंबर में बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये 8 नंबर ही है, ये वेल्डिंग गेज वेल्डिंग आर्क है, ये इसमें लूज है, बहुत लूज है, ये 8 नंबर में बिल्कुल एक्यूरेट है। और एक एक वायर का टुकड़ा और है हमारे पास, ये जो है ये 5 नंबर में आ रहा है, ये इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, 4 में भी नहीं आ रहा है, ये 5 में आ रहा है, 6 में नहीं आएगा, ये 5 में एक्यूरेट आ रहा है।
तो ये 5 नंबर गेज का ये टुकड़ा है, ये जो वायर का टुकड़ा है ये 5 नंबर गेज है, और एक टुकड़ा ये है, ये जो रोड का टुकड़ा है इसको हम इसको भी चेक मेजर करते करते हैं, हैं। ये इसमें ये इसमें इसमें एक्यूरेट आ रहा जीरो है, गेज में आ रहा है, ये जीरो ये गेज है में जीरो सही जीरो आ रहा है, नंबर, ये जीरो गेज का जो जीरो एमएम नंबर है साइज़ है आठ वो है पॉइंट छः बत्तीस पॉइंट एम बत्तीस एम 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 सॉरी 8.32 mm है। 8.32 mm ये इसमें जीरो सही गेज आ जो रहा होता है है, ये वो इसमें टाइट है, आठ इसमें पॉइंट टाइट है, बत्तीस होता बाकी सब है में टाइट है, एमएम में, ये जीरो में आ रहा है, 8.32 तो एमएम ये होता है जीरो जीरो गेज का गेज का है। मतलब। ठीक है, इसमें और अब हम देखते हैं ये हमारे गेज पास में जो भी पड़े दिया हैं हुआ है आठतीस और एमएम में भी दिया जो हुआ है गेज कि कौन पड़े सा हैं गेज जिसको कितने हम एमएम का मेजर होता करते है। हैं, अब ये चद्र का वो टुकड़ा हम 12 लेते गेज में हैं आ रहा है। और ये ठीक है, इसमें हम चेक करते इस हैं ये तरह से 12 इसका नंबर गेज में आ अपन रहा मेजर है। करते हैं। तो ये जो चद्र का टुकड़ा है ये 12 गेज का है, एक और लेते हैं, ये भी ये 12 भी गेज 12 का गेज है, का है, ये चद्र का टुकड़ा ये भी 12 गेज का है, और ये ये और लेते हैं ये 11 गेज का, ये 12 में नहीं आ रहा, ये 11 गेज 11 का गेज है, है, ये जो चद्र का टुकड़ा ये ये 11 12 गेज का नहीं आ है, रहा है, ये 10 में लूज है, 11 में आ रहा है, ये 11 गेज ये है, 12 में नहीं आ रहा है, और ये भी एक ये टुकड़ा 3 हम गेज लेते में आ हैं रहा ये है, है, ये 4 में टाइट है, 2 में लूज है, ये 3 ये गेज में 3 आ में आ रहा रहा है, तो है, ये 3 गेज का ये 3 गेज का है, है, और 3 गेज का थिकनेस है उसका है 6.40, ये 3 गेज का जो है एम एम वो है, छः पॉइंट छः चालीस एम पॉइंट एम होता है जीरो तीन एम एम होता है, थिकनेस, छः एम एम पॉइंट इसकी जीरो छः तीन पॉइंट एम एम चालीस होता एम है एम 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 होता है में। 3 गेज की, और एक ये और गेज ये और वाला है अपने गेज, पास, ये एक चदर ये का टुकड़ा देखते हैं ना, कितने इसको हम गेज मेजर है, करते हैं, ये आ रहा है 11 गेज, ये है 14 14 गेज, गेज सॉरी, ये आ रहा है 14 14 गेज, गेज का जो नाप होता है वो होता है ठीक है। 2.03, 2.03 होता है एमएम में, वायर को और शीट को दो मेजर पॉइंट कर जीरो सकते तीन एमएम हैं होता है। बहुत ही आसानी से और पता लगा सकते हैं कि ये ठीक कितना है, गेज है और कितने एमएम का जो है। 14 गेज होता है 2.3 mm होता है, जीरो तो गेज से इसमें ये लेके जो है थर्टी 0 से सिक्स गेज, 36 गेज तक का है, 36 गेज ये तक है ये, 0 गेज से लेके 36 गेज ठीक है ना, तक ये जितने हम गेज है इसमें मेजर कर उसके साइड सकते में ये हैं। एमएम भी लिखा हुआ है, ये कौन सा गेज गेज कितने के एमएम साथ का साथ है, में ये एमएम में भी इसकी रीडिंग दी हुई है, तो हम एमएम में भी इसको पता कर सकते हैं। तो आप ये अगर प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे तो फेसबुक आप इस पेज, प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं इंस्टाग्राम तो और मैं खबरी नीचे ऐप पर डिस्क्रिप्शन फॉलो में कर इसका लिंक लें, दे वहाँ पर दूंगा, भी मैं अच्छी अच्छी जानकारी देते रहता आप वहाँ हूँ। पे जाके इसको प्रोडक्ट तो को खरीद आपको मेरा सकते ये हैं वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ कमेंट करके अपने ज़रूर यूज़ में ले बताएं। सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल आपसे को एक बार फिर सब्सक्राइब कर रिक्वेस्ट दें है कि मुझे और साथ फेसबुक में बेल पेज, आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें इंस्टाग्राम ताकि और मेरा हर खबरी नया ऐप पर वीडियो फॉलो पहुंच करें, सके वहाँ पर सबसे भी मैं पहले अच्छी अच्छी आपके जानकारी पास। देते रहता और हूँ, वीडियो देखने तो के लिए प्लीज़ बहुत-बहुत सपोर्ट धन्यवाद। करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।